मौसम है बड़ा रंगीन, खो जाए ना कहीं आवारा दिल। तो जी हाँ, ये वाला नज़ारा मेरे घर के ठीक सामने का है और स्वागत है आपको आज के मेरे न्यू व्लॉग में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये मेरे घर का फ्रंट है और ये मेन गेट। तो चलिए चलते हैं अंदर। और ये सबसे पहले मेन गेट ओपन किया। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये बाहर इतना बड़ा चौक है। कूलर पे बिल्कुल नोटिस मत करना, बिकॉज आज कूलर साफ़ सफाई की है कूलर की। और ये पापा तो ये बाहर का रूम, ये इधर बैठे हैं देखो पापा। और ये मेरे हस्बैंड, मेरे हस्बैंड की थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए अभी रेस्ट पे है ये। बाहर एक बड़ा सारा रूम है और ये भी एक रूम है, लेकिन इसमें हम लोग ऐसे थोड़ा कूलर वगैरह जैसे जो सामान नहीं चाहिए होता इस रूम में रख देते हैं। और अब चलते हैं अंदर की तरफ। तो ये अंदर की तरफ जाते हुए सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना मंदिर दिखाती हूँ। ये है हमारा मंदिर। सबसे पहले ये वाला रूम, ये हमारा रूम मम्मी पापा का। देखिए ये जो तस्वीर है, ये मेरे नक्शु बाबा की है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट रूम में। ये वाला आप देख के ही पहचान जाओगे जी, बिल्कुल ये है मेरा रूम। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, बच्चा पार्टी अभी बाहर वाले रूम में है इसलिए इतना साफ सुथरा पड़ा है, इसमें कोई असमंजस नहीं है। कुछ इस तरीके से का लुक है मेरा रूम। और ये मेरे शादी के टाइम की कुछ फोटोज है। मेरे शादी का एल्बम भी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी कभी। ये देखिए हमारे शादी के टाइम की कुछ फोटोज है ये। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूम में। ये है एक रूम जिसमें मेरे देवर जी सोते हैं। ये एक रूम है हमारा। और ये रूम से निकलने के बाद हॉल के लेफ्ट साइड में, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये सीढ़ियाँ बनी हुई है ऊपर जाने के लिए। तो अब चलते हैं किचन की तरफ। ये किचन में आप लोग जैसे देखते हो, एंट्री करते ही सीनरी लगी हुई है टाइल्स की बनी हुई। और किचन वैसे मेरे बहुत बड़ा है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो। ये देखिए, ये मेरी प्यारी सी रसोई। तो अब किचन से सीधा चलते हैं अपने हॉल में। और अभी बचे हैं 12:15। और ये है मेरे दादी ससुर जी और ये मेरी दादी सासू माँ। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये मेरा हॉल का लुक है। और ये डाइनिंग उस साइड में रखी हुई है। पहले ये डाइनिंग तो बीच में थी, बट मेरा नील है जो ऊपर नीचे चढ़ता है और बार बार नीचे गिरने के वजह से एक बार मैंने डाइनिंग को साइड में रख दिया है।
तो अब चलिए हमारे लल्ला से मिलते हैं। ये देखिए हमारे दोनों लल्ला डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं। जी हाँ, ये हमारे बीच में ही रहते हैं यहाँ आंगन में, और जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये कुछ इस तरीके से है हमारे हॉल का लुक। तो आप लोगों को कैसा लगा हमारा घर और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखिए कितना बदमाशी कर रहे हैं दोनों दादी माँ के साथ, सच में बहुत ही शैतान बच्चे हैं मेरे। देखिए झूले पे दोनों ही बैठ गए। आज मेरा एक छोटा सा वीडियो मेरे होम टूर का, और आप लोगों को मेरा घर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और जितना हो सके मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। थैंक यू।